आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा बयाशी। आइए उनसे जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ रणनीति और तैयार की है। गिरिजा जी, जैसे कि महिलाओं पर अक्सर आपराधिक तौर से मामले रहते हैं, वो उनके लिए अभी क्या और नीति तैयार की है उनसे निपटने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए हमने सारी तरह की नीतियों को कि वो महिला अपनी अस्मिता को जी सके, खास करके रेप के मामले बहुत हैं तो हमने सेक्सुअल असॉल्ट बिल बनाया, वो बिल भी पेंडिंग है और हम चाहते हैं इसी में आ जाए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो अभी पार्लियामेंट में आने वाला है, रेप विक्टिम्स के संबंध में हमने जो अभी योजना बना करके दी कि उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए आगे के जीवन के सहारा के लिए, तो हमने जेल में रहने वाली महिलाओं को जो उसमें है कि वो उस पर जल्दी से मुकदमा चल करके आ जाए। महिलाओं को PNDT एक्ट को हमने सुरक्षित किया कि बच्ची जन्म ले, उसके एजुकेशन के संबंध में, और ख़ास बात तो ये कि उसका विज्ञापन की दृष्टि से भी उसका मिसयूज़ ना हो। ये हमने सेक्सुअल असॉल्ट, ये डिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द मीडिया, ये तक बना करके दिया, तो कोई ऐसा नहीं छूटा है कि जिसमें महिलाओं को सुरक्षित करने का कानून ना हो। जैसे कि ये बिग बॉस और ये राखी का इंसाफ जो, इसको लेके कितनी सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि ये शो बंद कर देने चाहिए या फिर किस तरह से होना चाहिए मैम इसके लिए? देखिए, रेगुलेशन आवश्यक है और इसीलिए थोड़ा रेगुलेशन भी हो और थोड़े लोग अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। बाल विवाह रोकने के लिए जरूरी है कि सभी लोग आमदा हों और इसके लिए रोकने के नया कानून भी हम दो उसको रिवाइज करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बाल विवाह नहीं रुक रहे। ऐसी महिला है कि उनके साथ कई सारी दहेज प्रताड़ना की जाती है, उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते हैं, तो उनको किस तरह से कंप्लेंट करनी चाहिए, किस तरह से वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है, पहले थाने में या महिला आयोग में, किस तरह से? एक बार ये महिला आयोग भी उनके प्रव्यू में है, थाने भी उनके प्रव्यू में है, लेकिन इसमें हमने हर कानून में थर्ड पार्टी का रोल डाला है ताकि वो किसी संस्था के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कर दूं कि महिलाओं को जब तक जानकारी नहीं होगी, इसलिए पंचायत स्तर से अवेयरनेस के कार्यक्रम हो, और इसलिए महिला आयोग ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम शुरू किया कि जिसमें सरकारें गांव तक जाकर के उनके जो अधिकार हैं या उन पर अत्याचार होता है उस पर वो कहां जाएं उस संबंध में जानकारी दें।